Okay. Good morning, students. Today we will discuss topic German unification under the chapter Rise of Nationalism in Europe. So till now we have discussed revolution by the middle class, although they were crushed by the conservative regimes. In German unification, middle class led the movement further. Feeling of nationalism was spreading in middle class all around. चारों ओर देशभक्ति की जो भावना थी लोगों के अंदर फैल रही थी. Although they were crushed by combined forces of monarchy, military, conservatives and landlords of Persia. कहने का मतलब इन क्रांतिकारियों को मोनार्की, मिलिट्री, कंजर्वेटिव्स और पर्शिया के जो लैंडलॉर्ड थे, जिनको कि राजा का रूल होते समय काफ़ी मुनाफा था, वो इन जो रेवोल्यूशनरी थे उनका विद्रोह कर रहे थे, उनको मार रहे थे. बट एक पर्शियन लीडर था ओटोमन बिस्मार्क. ओटोमन बिस्मार्क टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई जर्मन with the help of Persian army in 1871, after 3 years war, he unified Germany and he proclaimed Kaiser Wilhelm I as a new German king under the treaty held in Versailles, ये शहर का नाम है, in Hall of Mirror, unequal Hall of Mirror, we can say. इस जगह एक संधि हुई जिस संधि के अकॉर्डिंग जो नया राजा था वो केसर विलियम फर्स्ट को बनाया गया था. इस जर्मन यूनिफिकेशन में ओटोमन बिस्मार्क को हम चीफ आर्किटेक्ट कह सकते हैं इसका, बिकॉज पूरे मूवमेंट को जो मिडिल क्लास का मूवमेंट था उसको लीड करने वाला ओटोमन बिस्मार्क था. सो यहाँ तक जर्मन यूनिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है. फर्दर हम डिस्कस करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली. स्टूडेंट्स, अगर हम इटली की यूनिफिकेशन की बात करें इटली वॉज डिवाइडेड इन टू सेवरल डायनेस्टिक रीजंस. वी कैन सी इन शॉर्ट ओपन हैंडेड मैथ के जरिए समझ सकते हैं कि इटली मेनली 7 हिस्सों में बटा हुआ था. इसके नॉर्थ में हैब्सबर्ग एम्पायर आता था, इसके साउथ में बोर्बन डायनेस्टी थी, इसके सेंटर में पॉप का रूल था और ओनली वन पार्ट जिसका नाम सार्डिनिया वीडमोन था, वो इटालियन प्रिंस विक्टर एमैनुअल जिसका नाम था उसके द्वारा रूल किया जाता था. यानी इटली 7 हिस्सों में था, मगर एक हिस्सा इटली का इटली के प्रिंस के पास था, बाकी सारे इटली में डिफरेंट डायनेस्टी हैविंग डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज. और रेवोल्यूशनरी को क्या काम करना था, इटली को यूनिफाइड करना था, एक कॉमन आइडेंटिटी देनी थी लोगों को. जैसा हम देख सकते हैं कि भारत है तो भारतीय लोग अपनी एक आइडेंटिटी इंडियन लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ ऐसा करना था कि सारे लोग अपने आप को इटालियन लिखें. ये काम करना था इटली की यूनिफिकेशन के जरिए. तो सबसे पहले कोशिश की थी जिप्सी मैजिनी ने, जिसने की दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी. पहली थी यंग इटली, दूसरी बनाई थी यंग यूरोप. इसने इन 1831 और 1848 with the help of revolutionary, with the help of common people, दो बार ट्राई किया जो इटली के राजा थे इनके साथ युद्ध हुआ, इसका लड़ाई हुई, किंतु दोनों बार ये हार गया 1831 में और 1848 में. आफ्टर दैट एक नाम आता है कैवर. कैवर नीदर रेवोल्यूशनरी नॉर डेमोक्रेट,
केवल ना तो कोई रेवोल्यूशनरी था, ना ही कोई डेमोक्रेट था, भी कैसे ना ही कोई लीडर था, बट इसने प्लान के तहत केवल took the help of peasants. किसके लिए उसने पीजेंट्स की हेल्प ली? जो इटालियन प्रिंस था विक्टर एमानुएल, उसकी हेल्प करने के लिए. इन दोनों ने कैवर में और इटालियन प्रिंस की आर्मी ने मिलके सबसे पहले हमला किया था. सबसे पहले जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी वो हैब्सबर्ग एम्पायर में थी. सबसे पहले हैब्सबर्ग एम्पायर के ऊपर इस इटालियन प्रिंस और कैवर के द्वारा हमला किया गया. इसके कारण जब मिलके हमला हुआ तो इस अंपायर को खत्म करके इटली में मिला दिया गया था, स्पीड मोड में मिला दिया था. उसके बाद फिर से कोशिश हुई. गैरिबाल्डी एक नाम आता है, इसको हम रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं. गैरिबाल्डी ने साउथ के अंदर, ये जो साउथ में बॉर्बन डायनेस्टी थी, साउथ के अंदर लोगों को इकट्ठा किया और गैरिबाल्डी के साथ जो लोग थे वो आर्म फोर्सेस थी, यानी लोगों के पास हथियार थे. इसने और लोगों को इकट्ठा किया. आल्दो ये आर्म फोर्सेस ज्यादातर हिस्सा इनका इलिटरेट था, इसकी फौज में, इसकी आर्मी में जो ज्यादा लोग थे वो अनपढ़ थे, लेकिन उनके पास हथियार थे. दे मार्च टू साउथ पार्ट ऑफ इटली एंड दे डिफीटेड बॉर्बन डायनेस्टी. हमने पहले भी जिक्र किया, नेपोलियन ने इस बॉर्बन डायनेस्टी को खत्म किया था. उसके बाद जिस जो चार कंट्रीज थे उन्होंने नेपोलियन को हराने के बाद इस बॉर्बन डायनेस्टी को दोबारा से रिस्टोर किया गया था. अब एक बार फिर से ये जो गैरिबाल्डी था, कैवर था, इटालियन प्रिंस था, इन सभी के द्वारा जो इकट्ठा हमला हुआ दोबारा से फिर इस बॉर्बन डायनेस्टी को खत्म किया गया और इस प्रकार जो इटली था उसको यूनिफाइड कर दिया गया. ज़्यादातर लोगों को अभी तक ये नहीं पता था कि इटालिया नाम क्या है. वो सोचते थे इटालिया इटालियन प्रिंस विक्टर एमानुएल की पत्नी का नाम. तो इस प्रकार इटली को यूनिफाइड किया गया.